हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े सरकारी नौकरी चैनल संदीप ज्ञान पे। और आजम फिर आपके लिए एक लेटेस्ट जॉब की अपडेट लेके आए हैं जो निकल रही है आईटीबीपी से। यदि आप 10वीं पास हैं तो आईटीबीपी में सिपाही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कैसे अप्लाई करना होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो आईटीबीपी में 551 पदों पे आवेदन करने का मौका आपको जो है मिल रहा है। ये जल्द वैकेंसी है, यहाँ देख सकते हो 511 वैकेंसी आपको इस प्रति प्रोग्राम में टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज बताई गई है। विस्तारित जानकारी हम आपको दिखा देते हैं कैसे कैसे इसमें फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्या क्या डिटेल्स आप विभाग के द्वारा बताई गई है। नई दिल्ली देख सकते हो हिंदुस्तान जॉब, यहाँ अपडेट निकल के आ रहा है भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी बल ने कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के कुल 511 पदों के भरने के लिए आवेदन फॉर्म जारी करना है। ये पद दो ट्रेड हैं, ड्राइवर और ड्रेसर, दो ट्रेड आपको यहाँ मिलेगी ड्राइवर और ड्रेसर की। कुल रिक्तियां 472 होगी जिसमें ड्राइवर की पोस्ट है। 472 कितनी है ड्राइवर की पोस्ट होगी। इसके लिए चयनित होने वाली युवाओं को कांस्टेबल का पद दिया जाएगा। यहाँ आपको यदि आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या जो वैकेंसी थी हमारी ड्रेसर की, तो ड्रेसर और ड्राइवर की वैकेंसी के लिए अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग जैसे कि पोस्ट है। इसमें पोस्ट आपको बता देनी है कि भाई हम ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ड्रेसर की पोस्ट के लिए, वो आपको फॉर्म में डिटेल्स बता देनी है। इसमें आपको कांस्टेबल की पोस्ट मिलेगी यानी कि जीडी की पोस्ट आपको यहाँ मिलेगी। इसके बाद में बल ने सभी रिक्तियों को स्थायी घोषित किया गया, लेकिन भविष्य में स्थायी भी किया जा सकता है, यानी कि आपको 2 साल की अवधि के बाद इसमें स्थायी परमानेंट कर दिया जाएगा। सीधा बात करते हैं वेतन संबंधी डिटेल्स, आपको क्या मिलेगा, इसमें फॉर्म कब से भरा जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है। दोनों पदों के लिए एक जैसे ही न्यूनतम शारीरिक मापदंड तय किए गए हैं, यानी कि आवेदक की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। यदि आपकी हाइट है 170 सेंटीमीटर है और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट, सीने की मापक यहाँ 80-85 सेंटीमीटर है और ये देख सकते हो दूरदृष्टि क्षमता चश्मे बिना होनी चाहिए 6x6, और ये देख सकते हो। इसके बाद में वेतन जो है वेतनमान के स्तर पर दोनों पदों में एक हद तक समान है, यानी कि दोनों पोस्टों के लिए वेतन आपको समान मिलेगा। वेतन सभी को 5,200 से लेकर 20,200 रुपये मिलेगा, मगर ग्रेड पे अलग अलग होगा। यानी कांस्टेबल पद के लिए ग्रेड पे आपका 2,000 रुपये होगा, हेड कांस्टेबल के लिए आपका 2,400 रुपये जो है इसमें रखा गया है। अब बात करते हैं इसमें फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो आपको करना क्या, ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाना है और वहाँ डिटेल्स वगैरह प्राप्त करनी है। इससे पहले देख सकते हो इसमें बताया गया है, इसमें पहले चरण में शारीरिक मापदंडों की जांच की जाएगी, यानी आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद में इसमें आपका रिटर्न लिया जाएगा, रिटर्न आपका बाद में होगा। उम्मीदवारों को 1 मील यानी कि 1600 मीटर दौड़ाया जाएगा। इसमें सफल होने वाले को लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। और इसके बाद में पूरी डिटेल्स आपको बताइए, इसमें देख सकते हो ये इसमें बताया गया है कि ये फॉर्म कब तक भरा जाएगा। 16 फरवरी तक ये जो है भर्ती प्रक्रिया आने की पूरी संभावना, 16 तक इसमें आवेदन किया जा सकता है। अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, लेकिन अभी जल्द ही वैकेंसी आने वाली है, 2020 में ये कंप्लीट करवा ली जाएगी, 2020 में ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवा ली जाएगी। यहाँ देख सकते हो 16 फरवरी तक ये नोटिफिकेशन है जो है, इसकी लास्ट डेट है जो आप अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद 2020 तक आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवा ली जाएगी। तो अभी 4-5 महीने बचे हुए हैं इस भर्ती प्रक्रिया के लिए, आप अभी से तैयारी कर दो क्योंकि अच्छी वैकेंसी आने वाली है। आईटीबीपी में भी आएगी, एसएसबी में भी आएगी, काफ़ी सारी वैकेंसीज है आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको गवर्नमेंट जॉब अपडेट दी जाती है।